यह पहली रेल है। इस नई रेल के संचालन से हमारे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अभी तक टनकपुर से दिल्ली इलाहाबाद अन्य स्थानों के लिए ट्रेनें संचालित होती थी, लेकिन देहरादून के लिए नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य से जो विशेष लगाव है, हम सभी जानते हैं। ऐसे अनेक अवसरों पर उन्होंने हमेशा हम सबको इस बात का एहसास कराया है कि वो हमारे अत्यंत ही नजदीक हैं। यह राज्य उनके अत्यंत ही दिल के करीब है, और उसी के कारण से तराई क्षेत्र से भी आज देहरादून के लिए रेल सेवा प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, इस एक्सप्रेस के संचालन से टनकपुर से देहरादून तक अनेक शहर बीच में जुड़ेंगे। बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए लोगों को भी आसानी से अब यात्रा का विकल्प मिलेगा, उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धाम माँ पूर्णागिरी आने वाले दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बेहतर विकल्प के रूप में उनको भी सेवा मिलेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। यदि मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं, तो 10 वर्षों में जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे को जो नए भारत की आकांक्षाएं हैं तथा आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, 2014 के बाद से भारतीय रेल एक नए रूप में हमारे सम्मुख है, जो देश को अनेक प्रकार से नए रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। जहां आज एक और ब्रॉडगेज रेल लाइनों से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करके भारतीय रेलवे को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर आज भारतीय रेलवे की जो रफ्तार है वह भी पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के चिन्ह के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया रेल ट्रेनें आज भारतीय रेलवे का नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी जो रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के अंदर बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो पहले के समय में मुमकिन नहीं लगते थे, जिनको नामुमकिन कहते थे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक रेल पहुंचाने का जो स्वप्न है वो सच होने जा रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुर्गम पहाड़ों के बीच से ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग तक रेल का संचालन हो जाएगा? तेजी से रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। लगभग 125 किलोमीटर की जो रेल लाइन है, काफी उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। के समय में इस प्रकार के प्रयास कभी नहीं किए गए। देश के अंदर अनेक सरकारें रही और ऐसी भी सरकारें रही, एक पार्टी का शासन रहा, एक परिवार का शासन रहा, और आजादी के 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन देश के अंदर रहा, लेकिन कभी इस तरह सोचा नहीं गया। पहली बार उस तरह ध्यान दिया गया जहां लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोगों के जीवन स्तर को जिससे ऊपर उठाया जा सकता है, जिनके उनके जीवन को सहायता दी जा सकती है, उस दिशा में तेजी से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी दूरदर्शिता और उनके स्पष्ट विजन के कारण से आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेज गति से चल रहा है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सर्वे का काम भी पूरा हो गया है और जल्द ही इस पर भी काम प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 6 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून से आनंद विहार के बीच वंदे भारत का संचालन भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समर्पित किया था। अब शीघ्र ही हम देहरादून से अन्य शहरों के लिए अयोध्या, बनारस के मध्य भी वंदे भारत ट्रेन की हमको सौगात निकट भविष्य में मिलेगी। भाइयों बहनों, आज हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है, विकास की धारा को जोड़ने के लिए
तमाम योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो जनपद चंपावत है उसके विकास के लिए जनपद चंपावत आदर्श चंपावत बने उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने माँ पूर्णागिरी के धाम में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से माँ पूर्णागिरी मंदिर रोपवे के निर्माण हेतु 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही माँ पूर्णागिरी मंदिर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने एवं श्रद्धालुओं को सुगम सुविधाएं हेतु केदारनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाए जाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत हरिद्वार तथा ऋषिकेश की तर्ज पर घाट का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जहां प्रातःकाल और सायंकाल की आरती भी प्रतिदिन भव्य रूप से की जाएगी। हनुमानगढ़ी घेड़ा भेड़ी खेतखेड़ा में मोटर स्कूल का 13 करोड़ 77 लाख की धनराशि से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्षा काल में माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत एवं नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3.82 किलोमीटर के इंडो नेपाल डाईपोर्ट का निर्माण 177 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जा रहा है। कनकपुर एवं बनबसा में जल निकासी के लिए 130 करोड़ की DPR तैयार की जा रही है। कनकपुर में ही 56 करोड़ रुपए की धनराशि से बस टर्मिनल का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने इसका शिलान्यास कर दिया गया है। भाई बहनों, कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को मानस खंड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये जो कनकपुर है ये हमारी मानस खंड यात्रा का एक प्रमुख स्थल होगा, यानी कि ये हमारा प्रारंभ स्थल होगा और हम लगभग चंपावत के सभी प्रमुख मंदिरों को इसमें बढ़ा रहे हैं। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ के हमारे मंदिरों का एक मंदिर के लिए 70 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस परियोजना द्वारा इन मंदिरों का संरक्षण पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अनेक बहुत सारे छोटे बड़े कार्य किए जा रहे हैं, मैं उसको बहुत विस्तार से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद हम आदर्श और विकसित चंपावत की जो हमारी अवधारणा है उस अवधारणा को साकार करेंगे। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प वही संकल्प है, उस विकल्प वही संकल्प के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना लगातार जो भी अब समय है उस समय का संपूर्ण सदुपयोग उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए आप सभी का सहयोग मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, देखा नहीं दिख रहा है, लेकिन पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि सारे के सारे लोग यहाँ का एक एक जनगणमन, एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहने, हमारे नौजवान, सारे लोग श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं, इस विकास यात्रा के सह यात्री बन चुके हैं। अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का सहयोग हमें जैसा हमें पहले से मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। अंत में पुनः मैं देवभूमि की 1.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।